गुजरात में पानी के लिए जो विशेष ग्रिड बनाए गए, नहरों का जाल बिछाया गया, उसका लाभ अब करोड़ों लोगों को हो रहा है। यहां के लोगों के प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन का भी आधार बने हैं। देश में हर घर में पाइप से पानी पहुंचाने का अभियान तेज गति से चल रहा है। सिर्फ 1.25 साल के भीतर इस अभियान के तहत करीब करीब 3 करोड़ घरों तक पानी का पाइप पहुंचाया गया है। यहां गुजरात में भी 80% से अधिक घरों में नल से जल की सुविधा पहुंच रही चुकी है। मुझे बताया गया है कि अगले कुछ समय में ही गुजरात के हर जिले में पाइप से पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। भाइयों और बहनों, पानी को घरों तक पहुंचाने के साथ साथ पानी के नए स्रोत बनाना भी बहुत जरूरी है। इसी लक्ष्य के साथ ही समंदर के खारे पानी को शुद्ध करके इस्तेमाल करने की व्यापक योजना पर भी काम हो रहा है। मांडवी में तैयार होने वाला डिसेलिनेशन प्लांट, नर्मदा ग्रिड, सौनी नेटवर्क और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे प्रयासों को और विस्तार देगा। पानी सफाई का यह प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो इससे मांडवी के अलावा मुंद्रा, नखत्राणा, लखपत और अबड़ासा के लाखों परिवारों को इसका लाभ होगा। इस प्लांट से इन क्षेत्र के करीब करीब 8 लाख लोगों को रोज टोटल मिलाकर के 10 करोड़ लीटर साफ पानी की सप्लाई हो सकेगी। एक और लाभ ये होगा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहां आ रहा नर्मदा का पानी, उसका भी हम ज्यादा अच्छा सदुपयोग कर पाएंगे। ये पानी कच्छ के अन्य तालुका जैसे रापर, भचाऊ, गांधीधाम और अंजार को सुचारू रूप से मिल सकेगा। साथियों, कच्छ के अलावा दहेज, द्वारिका, घोघा, भावनगर, गिर सोमनाथ, वहां पर भी ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले में शुरू होने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि समंदर किनारे बसे दूसरे राज्यों को भी मांडवी का ये प्लांट नई प्रेरणा देगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा।